ये पिछले साल जो आईआईटी कानपुर ने जो हमें प्रेजेंटेशन दिया था उसमें उन्होंने रिटर्न में दिया कि किस किस डिपार्टमेंट्स की हमें परमिशन की जरूरत है। इसमें उन्होंने जो हमें दिया उसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए का परमिशन चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसकी परमिशन चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की परमिशन चाहिए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की परमिशन चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसकी परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की परमिशन चाहिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की परमिशन चाहिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन चाहिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की परमिशन चाहिए। ये परमिशन दिल्ली सरकार तो नहीं दे सकती, दिल्ली सरकार को परमिशन जो देना है उसके लिए हम तैयार हैं। आर्टिफिशियल रेन के लिए जो खर्चा होगा, पैसा जरूरत पड़ेगी, वो हम देने को तैयार हैं, लेकिन ये परमिशन तो सेंटर गवर्नमेंट से चाहिए, तो सेंटर गवर्नमेंट ही दे सकती है। और इसके लिए हमने जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखी तो मुझे समझ में नहीं आया कि कल भाजपा के नेता एकदम नाराज हो गए मेरे ऊपर, बोले कैसे आपने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिख दी, आप जो है सारा काम करिए। मेरे ये समझ में नहीं आता है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पावर लेना होता है तो कहती है कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, सारा अधिकार हमें चाहिए, पार्लियामेंट में कानून पास करके सारा अधिकार ले लिया,